हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्रिकेट एनालिस्ट। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऋषभ जैन आ गया हूँ वापस। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड क्या मैच होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड जो है अभी फिलहाल हार के आ रही है सारे मैचेस एक्सेप्ट वन, और उसके अलावा इंडिया जो है वो सारे मैच जीत के आ रही है। इवन दे वन अगेंस्ट न्यूजीलैंड आफ्टर 20 ईयर्स। तो इंडिया अच्छे मूड में, अच्छे कैंप में, अच्छा मूड है, बड़े एंजॉय कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया के अंदर देख ही रहे होंगे उनकी वीडियोस, जो वो आफ्टर मैच की प्रेजेंटेशंस होती है जिसके अंदर वो गोल्ड मेडल देते हैं बेस्ट फील्डर को। तो वो जो माहौल बना हुआ है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है इंडिया के लिए। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, इंग्लैंड का जो माहौल है वो बहुत ही गिरा हुआ, मरा सा हुआ है, क्योंकि उन्होंने प्ले ही नहीं किया है इस वर्ल्ड कप में। और जो उनका स्टैचर था कि इंग्लैंड आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, वो हुआ ही नहीं इस वर्ल्ड कप में। और इस मैच में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंग्लैंड थोड़ा सा हार्ड आ सकता है इंडिया पे, क्योंकि एक घायल शेर की सांसें एक नॉर्मल शेर ज्यादा भयानक होती है। तो इस टाइम इंग्लैंड थोड़ा सा घायल शेर बना हुआ है, वो पूरे चांसेस देखेगा कि इंडिया की पार्टी खराब कैसे करें। तो अगर हम देखें, इंडिया और इंग्लैंड खेले वर्ल्ड कप के अंदर 8 बारी, जिसके अंदर 4 बार जो है इंग्लैंड जीता है और 3 बार जो है इंडिया जीता है। अभी रिसेंटली इंडिया जब पिछले बार वर्ल्ड कप हुआ था 2019 के अंदर, तब इंग्लैंड के खिलाफ हारा था 31 रन से। लेकिन उसका बदला भी अब लेना है इन्होंने, क्योंकि पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी सेमीज के अंदर इंडिया हारा था इंग्लैंड से, और वो बहुत दर्दनाक हार थी। लेकिन उसका मेरे ख्याल से बदला लिया जाएगा, लगान वसूला जाएगा। तो अगर हम देखें, ये दोनों टीम्स 8 बार खेली है, जिसके अंदर 4 बार इंग्लैंड जीत, 3 बार इंडिया जीती है। और इस वर्ल्ड कप के अंदर अभी टीम्स खड़ी कहाँ पर है, इंग्लैंड जो है एकदम 9th पोजिशन पे है, जस्ट अबव नेदरलैंड्स, और इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका की जस्ट नीचे है, क्योंकि साउथ अफ्रीका कल का मैच जीत के पाकिस्तान के खिलाफ जो बहुत थ्रिलर था, तो इंडिया अब सेकेंड नंबर पे। लेकिन अगर इंडिया ही जीत जाता है तो वो अपनी पक्की कर लेगा जगह सेमीफाइनल्स के अंदर। तो अब हम देखें ये मैच हो कहाँ पे रहा है, लखनऊ के अंदर हो रहा है। अब लखनऊ के अंदर क्या है यार, आपने देखा ही था आईपीएल के अंदर की स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती हैं, तीन तीन स्पिनर खिलाती टीम, तो एक मतलब कि बहुत ही टर्निंग ट्रैक है, बहुत रफ आउट फील्ड थी, जो अब थोड़ी सी चेंज कराई है बीसीसीआई ने, क्योंकि जैसे केएल राहुल को इंजरी हुई थी कि लखनऊ के अंदर, और वैसे ही ग्राउंड थोड़ा सा इम्प्रॉपर था, तो आईसीसी की रिकमेंडेशन के हिसाब से वो ग्राउंड ठीक से बनाया गया है। अब देखते हैं कि वो आउट फील्ड कैसी होगी इस मैच के अंदर। लेकिन अगर हम देखें इस मैच के अंदर स्पिन बहुत ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि हम इस ट्रैक पे स्पेशली उसने सबसे पहले बॉलिंग करी है, वो 9 बार जीता है, जिसने सबसे पहले बैटिंग करी है वो 3 बार जीता है, और जो सबसे पहले बोलिंग लेगा उसे एडवांटेज है, क्योंकि अब ड्यू भी आने शुरू हो गई है। तो आप पहले बॉल डाल के अच्छा खासा टारगेट सामने वाली टीम से बनवा लीजिए, और उसके बाद फिर आपको लगे कि हाँ ड्यू आ गई है, तो अब आप मारना चालू करें। अब अगर हम देखें दोनों की प्लेइंग इलेवंस क्या होंगी, प्लेइंग इलेवंस मेरे ख्याल से इंडिया की तो मोस्ट लाइकली सेम रहनी चाहिए, मैं ज्यादा कुछ चेंज करूंगा नहीं। बस एक चेंज के अगर कंडीशन स्पिन फ्रेंडली है तो मैं एक प्लेयर बाहर करूंगा जरूर, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो या मोहम्मद शमी हो। मेरा मोहम्मद शमी को बाहर करने का मन तो नहीं है, बट मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव जो है वो मेरे ख्याल से बाहर हो सकते हैं, और रविचंद्रन अश्विन आ सकते हैं उनकी जगह, अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशन जरा सी भी है तो। अगर नहीं तो आप ही सेम कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोहित शर्मा शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 विराट कोहली खेलेंगे, नंबर 4 जो है वो श्रेयस अय्यर खेलेंगे, 5 पे केएल राहुल, फिर अपने सूर्य कुमार यादव, जडेजा स्पिन अच्छे खासे स्पिन होगी उनकी बॉल अगर होती है तो, फिर मोहम्मद शमी आ जाएंगे, कुलदीप यादव बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, बुमराह ने तो आग मचा रखी है। सिराज को थोड़ा सा अपना गेम अप करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में उनकी वो झलक दिखी नहीं है, जब उनको पिछले 1.5 साल से 2 साल से देखते आ रहे थे कि आग उगल रहे थे वो, तो वो थोड़ा सा टच जो है मियाँ टच वो उनको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड को हराना है तो फिर इंडिया को पूरा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इंग्लैंड इनके ऊपर ज्यादा अटैक करे। फिर हम देखें इंग्लैंड की तरफ से क्या हो सकता है, इंग्लैंड की अभी श्रीलंका से बहुत बड़ी हार हुई है, 156 पे ऑल आउट हो गए, मतलब कि सरेंडर ही कर दिया था उन्होंने, बिल्कुल ही हैंड्स डाउन कर दिए थे, और वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी दिक्कत रही इंग्लैंड के लिए इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि आपका अगर टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो आपका मिडिल ऑर्डर हाथ ही छोड़ देता है एकदम से। तो देखिए बैट्स को मलान ओपनिंग अच्छी कर सकते हैं, और रूट नंबर 3 पे ठीक है, एक आपको हैरी ब्रुक लाना पड़ेगा प्लेइंग 11 के अंदर, क्योंकि आपको एक बीच में ऐसा बैट्समैन चाहिए जो अटैकिंग खेले, 3-4 चौके छक्के मारेगी फील्ड थोड़ी खोल दे वो, क्योंकि सारे गेम चलाने वाले बैट्समैन होंगे तो वो
फायदा नहीं करेगा उतना। आपको एक ऐसा बीच में एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए जो आपकी टीम के लिए, जैसे इंग्लैंड ने जिस टेम्पलेट पे खेलते आ रही थी कि मारो 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 मारो, चाहे टीम विकेट गिर भी जाए लेकिन मारो मारो मारो, उस वाले टेम्पलेट पे आना पड़ेगा इन्हें वापस, क्योंकि ये अपने नाम के लिए ज्यादा खेल रहे हैं अपनी कंट्री के रेपुटेशन के अगेंस्ट, क्योंकि इनको लगता है बैस बॉल के लिए हिसाब से खेलना है। आप स्टार्ट वैसा करना चाहते हैं लेकिन आप कर ही नहीं पाते क्योंकि आप उसमें दबाव में बहुत रह जाते हैं। फिर अगर हम देखें मेरे ख्याल से हैरी ब्रुक की डेफिनेटली जगह बनती है इस प्लेइंग 11 के अंदर। कौन से नंबर को खिलाते हैं और कौन सा प्लेयर बाहर होता है वो टीम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। स्टोक्स ने पिछले मैच के अंदर अच्छा करा, थोड़ा अच्छा कर सकते थे लेकिन वही है थोड़ा, क्योंकि ऊपर से कोई हेल्प नहीं आ रही थी तो बेन स्टोक्स भी क्या ही कर लेते। फिर अगर हम देखें जॉस बटलर को परफॉर्म करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एज अ कैप्टन आपने T20 वर्ल्ड कप जिताया माना, लेकिन आपको अपनी कंट्री की शान और अपना जो रेपुटेशन है वो बनाकर रखना पड़ेगा वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, ना तो कोई भी बॉलर आपके आपका आउट कर जाएगा। तो जॉस बटलर मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं इस मैच में। लिविंगस्टन को भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत हो गया कि वो नंबर 7 पे आते हैं और फिर कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो उससे बेटर है कि आप किसी एक अच्छे प्लेयर को ले आइए जो बॉल भी डाल ले बीच में। लिविंगस्टन बॉल डालते ही नहीं कहता मैंने, कहीं एक प्रॉपर बॉलर ले आइए जो इंडिया को थोड़ा तंग करे। फिर मोइन अली अच्छा कर सकते हैं और स्पिन उनकी अच्छी हो सकती है इस ट्रैक पे अगर हुई तो। आदिल राशिद बहुत अच्छा खेल रहे हैं, विली अच्छी बॉल डाल रहे हैं शुरू शुरू में, उनको अगर थोड़ा सा भी असिस्टेंस मिलता है पिच से तो मेरे ख्याल से बहुत घातक हो सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है तो इंडिया को हमेशा ट्रबल कराया उसने। फिर मार्क वुड है, शियर पेस है, तो शियर पेस मेरे ख्याल से मार्क वुड इस पिच के ऊपर बहुत खेले हैं तो उनको आइडिया है कि इस पिच पे मुझे कैसे अपनी पेस वैरी करनी है और कैसे मुझे फील्ड पोजिशंस करनी है कि मैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकूँ इस पिच से। फिर क्रिस वोक्स को इन्होंने पिछले मैच में खिलाया था जैसे मैंने आपको कहा था इनके जो लास्ट मैच हुआ था उसके अंदर, और क्रिस वोक्स मेरे ख्याल से अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उनका बॉल बॉल भी हिलेगा, तो इनको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे प्लेइंग 11 के अंदर, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से एक दो प्लेयर्स की जगह बनती है ना, तो उसके अलावा इट्स ऑल गुड। फिर अगर हम देखें कौन से टॉप परफॉर्मर्स हो सकते हैं इस मैच के अंदर, कोहली डेफिनेटली, मैं जाऊंगा केएल राहुल के साथ क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है इस पे खेलने का, रोहित शर्मा 100%, शुभमन गिल 100%, ये मेरे 4 बैट्समैन हो गए। अगर गेम थोड़ा नीचे जाता है तो मैं जडेजा के ऊपर बैंक करूंगा थोड़ा, और फास्ट बॉलिंग के अंदर मतलब इस बॉलिंग के अंदर मैं बुमराह के पास जाऊंगा और कुलदीप के पास जाऊंगा। तो ये मेरे वो इंडिया की तरफ से 6-7 प्लेयर, और इंग्लैंड की तरफ से मैं देख रहा हूँ मोइन अली, आदिल राशिद, मार्क वुड, मैं देख रहा हूँ जॉनी बेस्टो को जो अच्छा कर सकते हैं, और रूट या स्टोक्स में से क्या हैरी ब्रुक आते हैं तो वो, और मेरे ख्याल से ये कुछ प्लेयर्स चलेंगे इस मैच के अंदर, तो आप इनमें नजर रखना अपनी फैंटेसी 11 बनाने से पहले। अब जीत कौन रहा है मैच, इंग्लैंड जीत सॉरी इंग्लैंड नहीं इंडिया जीतेगा, सॉरी इंग्लैंड सरप्राइज कर सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा इंग्लैंड सरप्राइज नहीं करेगा, लेकिन यू डोंट नो कि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है इंडिया वाला मैच हार भी जाए, हो सकता है ये जीत भी जाए आराम से, लेकिन अगर इंग्लैंड के अंदर थोड़ा सा भी अगर मादा बचा है अभी भी तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि वो इस मैच में थोड़ा सा खुद को लेवल पर रख पाए। सो अभी के रखते हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शॉर्ट्स को आप इतना प्यार दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सो थैंक यू गाइस एंड सी यू लेटर।